और झारखंड के डीजीपी मांडव, और आपको बताया कि विष्णु विधिन राम और अपनी बीमारी माँ से मिलने आंध्र के विजयवाड़ा के लिए रवाना हुए हैं। उनकी माँ पिछले 20 दिन पहले ही काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी, लेकिन राज्य में पैदा संकट की घड़ी में डीजीपी साहब ने परिवार पर को कहीं ना कहीं दरकिनार कर ड्यूटी को तरजीह दी है। एक रिपोर्ट। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। झारखंड के डीजीपी एमबी राव के लिए उनकी ड्यूटी इन दिनों अग्निपथ ही बनी हुई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से उनकी माताजी की तबीयत ज्यादा खराब है। डीजीपी ने अपने पुत्र धर्म के तहत मां से बात की, पर झारखंड के प्रति अपने दायित्व को निभाते हुए कोरोना के खिलाफ जंग में भी लगे रहे। अपनी मां के दर्द को समझते हुए डीजीपी ने झारखंड में बुजुर्गों के लिए डायल 100 सेवा की शुरुआत की। देखते हैं, बहुत सारे लोग कष्ट में है, बुजुर्ग लोग है, अकेले रहते हैं, बाल बच्चे साथ में नहीं है, किसी की तबीयत खराब होगी, अचानक घबरा जाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है। डीजीपी का गृह जिला दक्षिण भारत में है। माँ बेटे से मिलना भी चाहती है, बेटे के अंदर भी माँ से मिलने की टीस है, पर कर्तव्य का पथ इस मुलाकात को रोक रहा है। पर अब बेटा माँ से मिलेगा और ये मुलाकात बहुत जल्द होगी। से बात हो रही थी, वो हमको छोड़कर बाकी परिजन सब वही हैं, वो लोग देखभाल कर रहा है। अभी थोड़ा समय मिला, अभी हम जाके देख के आएंगे उनको। प्रखंड पुलिस ने इस मुसीबत की घड़ी में जनता के घर घर तक, द्वार द्वार तक पहुंचकर मदद की। वहीं पुलिस का मुखिया खुद अपने घर में अपनी मां की बीमारी को लेकर परेशान था, लेकिन फिर भी इतने दिनों तक वो अपने परिवार की फिक्र छोड़ जनता की फिक्र कर रहा था। हम प्रार्थना करेंगे कि उनके घर में सब कुशल मंगल रहे और फिर वो वापस जल्द से जल्द झारखंड लौटकर हम लोगों का साथ दें। कैमरामैन कौशल के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची।